लड़कियों की मार्केट में उसके कह रहे सब यहाँ से कुछ खरीदें। क्या खरीदा भाई तूने यहाँ से? हाँ, डिज़ाइनर बैग मिल रहे हैं गाइस, आपको डिज़ाइनर बैग लेने हो तो आप ले सकते हैं। और वो भी हैंडमेड है ना? हैंडमेड वो तो मशीन से ही बनता है, बस बोला जाता है हैंडमेड। भाई भाई ये वो डोल्ची गवाना की बेल्ट लेने के लिए कह रहा था जिसका बड़ा सा बक्कल होता है। मैं आस घूमता है, इसने ली थी पहले, आस घुमाता था टी शर्ट को रखेगा अंदर और उसको रखेगा बाहर और मैगनेट लगा देगा उसमें। अबे यहाँ नाश में लग जाओ तू बीच उस पर, यहाँ पे नया नाश में लग जा दे जाते यहाँ पे बीच। अबे नाश ना तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। तो भाई अभी हम काम खत्म करके अपना निकल ही रहे, तो हमने सोचा थोड़ा यूलू राइड्स ले लेते हैं क्योंकि हमने आज तक यूलू जो बाइक्स होती हैं स्मार्ट बाइक्स वो चलाई नहीं है। तो भाई अब हम आ गए हैं यहाँ पर ई बाइक लेने के लिए और यहाँ पर बहुत सारी ई बाइक खड़ी है जनपद मेट्रो स्टेशन के पास। ये देखो यहाँ लाइन से लगी हुई है और यहाँ पर कोई है नहीं, तो हमें लग रहा है खुद ही हमें लेनी पड़ेगी ऐप से एक्सेस करके। यहाँ पर कोई होता बंदा हेल्प करने के लिए तो उससे ज़्यादा बढ़िया रहता, जल्दी जल्दी ले पाते। वो सामने की तरफ तिब्बतन मार्केट है, तो ये मेट्रो स्टेशन है, सामने से मेट्रो स्टेशन से लोग आ रहे हैं। तो पता चला क्या होगा इसमें ना, इसकी ना वो है क्या कहते हैं वॉलेट होता है इसमें, उसमें ऐड करने पड़ेंगे पैसे, उसके बाद फिर ये हम लोग यूलू जोन में है भाई। हम बहुत ही ज़्यादा हल्की सी बाइक है, वैसे राइड करेंगे। यहाँ आगे पैर रखने की जगह है और यहाँ पर ये स्कैनर लगा हुआ है। हेडलाइट तो है नहीं, हेडलाइट के नाम पे कुछ नहीं है, छोटे से टायर है और ये ब्रेक है यहाँ पे ब्रेक, और ये वाला रेस वाला है। यार ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मान ले उसमें ऐड कर दूंगा ना और ये गाड़ी अनलॉक नहीं हुई तो पैसे अटक जाएंगे भाई। रिफंडेबल है ना अमाउंट? अमाउंट तो रिफंडेबल है बट वो उसमें रहेगा यूलू मनी में। यूलू में ही रहेगा हमेशा? हाँ, उसको यूज़ कर सकते हैं राइड्स वगैरह के लिए, तो हमेशा वो यूलू में ही रहेगा। बट इस इज बिहेवियर यूलू। यूलू ये क्या कर रहे हो आप? सामने है हमारे सेंट्रल कॉटेज ऑफ इंडस्ट्रीज एम्पोरियम, बड़ा सा ऑफिस बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर स्टैचू भी लगा हुआ था किसी का, और यहाँ पर है जवाहर व्यापार भवन। बैठने का कुछ बोल रहा है, डेक्स है ये वाली, ये भी डेक्स है। बैठने पे कुछ बोल रहा है कि चोरी करके मत ले जियो। आप हो गए हैं? तो वही हमने जिन भैया ने ले रखी थी पहले से उनसे थोड़ी देर एग्जांपल के लिए दी है एक बार ट्राई करने के लिए। और ये बिहारी पहले चढ़ जाता है, मैंने सोचा था मैं चलाऊंगा और वो पहले चढ़ गया उसमें। तो वही स्वाद तो है इसको चलाने में, देखो कहा तो है उसने थोड़ी देर के लिए चलाना है, अब देखते हैं कितनी देर के लिए चला पाते हैं। और ज़्यादा स्पीड नहीं है बट ठीक है, अच्छी चल रही है। भैया ने अपने उससे ली थी एप्लीकेशन से, हम चला रहे हैं इसे, एक राउंड मैं मारता हूँ फिर एक राउंड वो मारेगा। ठीक चल रही है भाई, इसको सिंपली लॉक करना होता है, बस ये है कि 500 रुपीज़ इसमें तुम्हें वो देने होते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस। एक्स्ट्रा चार्जेस मतलब रिफंडेबल होते हैं वो, बट वो देने होते हैं तुम्हें। ले पकड़ रहे आराम से चलेगी वो धीरे धीरे धीरे, वहाँ से उतर जाएगी नीचे। यहाँ रॉन्ग साइड से ले आई हूँ, आगे से घुमा के, वहाँ से नहीं उतरेगी यहीं से उतरेगी। एक हाथ में पकड़ ले इसको, ब्रेक है ना सही, अब देख लो ये प्यारी चलाएगा। ब्रेक है ना सही? हाँ। तो गाइस राइड को कर लेते हैं, हम पहले इसमें 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे, तो हमने सोचा इन भैया की राइड ले लें। वो भैया पीछे खड़ा है जिनसे भी मैं बात कर रहा था, उन्होंने एक वीक के लिए ले रखी है, तो हमने सोचा इसको अभी तक यहीं पे घुमा लेते हैं एक वीक के लिए, तो बढ़िया है। गोप्रो पे शूट करते करते एक हाथ से भी इसे चलाया जा सकता है, साइकिल जितनी भारी है वेट में तो ये। और जो इसकी रेंज है पता लगा
71 किलोमीटर है, मतलब कम से कम 50 किलोमीटर तो चलेगी एक बार में। तो ये देखो स्पीड मीटर वगैरह तो है नहीं इसमें, तो सीपी में घूमने के लिए सही है लोकल टूरिस्ट के लिए, तो मज़ा आ जाएगा घूमने में। और ये पूरा सीपी है, और ये जो छोटा सा एरिया है इससे देते हैं रेस, और ये आगे ब्रेक भी है इसमें। हॉर्न वगैरह का सिस्टम नहीं है इसमें, तो ब्रेक वगैरह दबाने पड़ेंगे। और आपको ये ई बाइक लेने तो यहाँ साइकिलें भी बहुत सारी हैं, साइकिल ले सकते हैं। वापिस आ गए हम जहाँ से ली थी हमने, यूलू। मजा आ गया भाई। टोक के तो नहीं लाया ना लाड़े, स्टैंड वगैरह नहीं है ये रहा ना। उतर जगह जगह काम सही है भैया, बढ़िया। थैंक यू तो बोल लाड़े भाई, थैंक यू भैया। रिकॉर्ड करा सही चल रही है, सही चल रही है, मैंने भी रिकॉर्ड कर रखा है। बस इतना साइकिल से बढ़िया है, अगर तुम साइकिल में मजा है शाम के टाइम। मतलब ये है अगर ना जैसे मेट्रो से तुम्हारा आसपास का काम है, जैसे मान लो मेट्रो स्टेशन से तुम्हारा ऑफिस आसपास है ना, बढ़िया इसमें रिचार्ज कराओ और बूम जाओ और बूम आ जाओ, कोई ऑटो ऑटो का सीन ही नहीं है। पर एक्चुअल में मैं बताऊँ इसका कोई यूज़ नहीं है, शो ऑफ के लिए है, डेली के लिए बस। वैसे यार कोई बाहर से आया ना घूम सकता है। हाँ मैं नॉर्मल है, स्कूटी भी ले सकता है। यहाँ से वो पास है इंडिया गेट सर, धूप हो रही है यार। इंडिया गेट घूमना है गाइस आपको, पैसे करो, लिंक डाल रहा हूँ नीचे, लिंक डाल रहा हूँ मेरे भी है। पैसे करो इंडिया गेट घूमें। इसके अंदर हमें जाने नहीं देंगे, बाहर से भगा देंगे और ना ही चाहते। कौन सा सेंटर है? सेंट्रल चीज पात वगैरह का है कुछ, मगर यहाँ पर हमें, यहाँ पर सामने तिब्बतन मार्केट है पूरी, आर्ट सेंटर। लेकिन इससे अच्छी तिब्बतन मार्केट वहाँ है MKT में। KTS ने बोल दिया MKT। KTS ने जो कह दिया था, ये एक KTS घर पे आओ कभी कभी आता है लोगों। यहाँ शीशे भी लगे हुए हैं तो अपने आप को देख सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर बैठ के डिसाइड करते हैं कहाँ जाते हैं। बाहर बैठे बैठे गर्मी लगने लगी तो आके हम मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पे बैठ गए। यहाँ थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो है क्या बढ़िया। आप बैठे हो सेंट्रल दिल्ली में किसी मेट्रो स्टेशन के नीचे जाके बैठ गए ना तुम्हें भाई, लेकिन मेट्रो बंद हो जाता है 12 बजे। यहाँ पर आके बैठ जाओ, अभी मुझसे कह रहा है कि हाँ लेट जाता हूँ। कुछ भी है, मैंने रोका था भाई रहने दे, वो आ जाएंगे CISF वाले। अरे गमले वमले नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, मैट बिछा हुआ है, गमले नहीं दिख रहे, योगा मैट, गमले नहीं दिख रहे हैं यहाँ, गमले अंदर धूप पानी नहीं लग पाएगी। धूप गमले दिखी नहीं रहे यहाँ पे, अब गमले कैसे ले जाऊँगा। अब हम आ गए हैं नीचे मेट्रो स्टेशन, और ये नॉर्मल वाली मेट्रो है उसमें आए हम। अब यहाँ से हम सोच रहे हैं राजीव चौक जाने की। यहाँ पर यहाँ के मेट्रो स्टेशन पे ये म्यूरल्स बने हुए हैं, ये जो दिल्ली के भ्रमण है, ये जंतर मंतर है। और स्पोर्ट्स वाले ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ से बहुत नियर बाय है जंतर मंतर। और ये मेट्रो स्टेशन है जो ये सेंट्रल दिल्ली के मेट्रो स्टेशन है, बढ़िया है, अच्छे से बने हुए हैं, अंडरग्राउंड है, गंदगी बहुत है, क्लीन ही है, फस्सी से हो रही है वहाँ नीचे यार, फस्सी से हो रही है, ऐसा गिर जाएंगे ठह जाएंगे। वहाँ से मेट्रो आएगी और वहाँ जाएगी। यहाँ से जाते हैं राजीव चौक, राजीव चौक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है, वहाँ सारी मेट्रो मिलती है, वो दिखाते हैं आपको उसके बाद। यार आधा सैटरडे हो गया बर्बाद। और आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो लोग भी बहुत कम दिख रहे हैं यहाँ पे 2 बजे। हाँ आज भीड़ नहीं है बिल्कुल, आज भीड़ नहीं है क्योंकि आज छुट्टी है, तो आज भीड़ तो थोड़ी बहुत तो होती है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो कोई घर से निकल नहीं रहा, तो भाई सही है, सपोर्ट करते रहो। राजीव चौक पे भाई इतने धक्के लग चुके हैं भाई, मैं दिखा दूँ अभी वो वाली बात याद आ गई भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे।